नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्ट्रेच यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डेट 26 है लीड कोर चैलेंज का, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे क्वेश्चन का नंबर है वो है 35। क्वेश्चन का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड अ टारगेट वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स इफ टारगेट इज फाउंड, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वॉज इंसर्टेड इन ऑर्डर। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन समझना तो काफी ईजी है। जैसे हमें 1, 3, 5, 6 दिया हुआ है कैरे के अंदर, 1, 3, 5, 6 हमें एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ, टारगेट हमारा फाइव है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसका इंडेक्स रिटर्न करना है कि 5 कहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसका इंडेक्स लिख दूँ 0, 1, 2, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 ही मेरा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर मेरा टारगेट एलिमेंट 2 हो जाता तो मुझे क्या करना था, तब मैं देखता हूँ अगर मेरा टारगेट एलिमेंट 2 होता तो अब की बार मुझे -1 ही रिटर्न करना, जैसे नॉर्मल बाइनरी सर्च से कर रहे थे अभी तक, तो मुझे वो नहीं रिटर्न करना। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है कि अगर ये इस सॉर्टेड एरे में प्रेजेंट होता तो उसका इंडेक्स क्या होता। सॉर्टेड एरे में प्रेजेंट होता तो किस पोजिशन पर प्रेजेंट होता, ये प्रेजेंट होता 1, 2, 3, 5, 6। अगर 2 प्रेजेंट होता मेरा इस एरे में तो मेरा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता, इस इंडेक्स पर। इस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। मेरे को क्या रिटर्न करना है इस केस में, 1। अब अगर मेरे को बोला कि टारगेट अब 7 है, अब टारगेट है 7, अब 7 भी प्रेजेंट नहीं है। अगर 7 इस एरे में प्रेजेंट होता और ये सॉर्टेड फॉर्म में भी रहता तो कहां पर प्रेजेंट होता, 1, 3, 5, 6 और 7। तो इसका इंडेक्स क्या होता, 0, 1, 2, 3। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 4 मेरा आंसर है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, या क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल क्या क्या चाहता है। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व करा जा सकता है अगर हम पूरे एरे में ट्रैवर्स कर ले और एक करेक्ट पोजीशन फाइंड कर ले, तो उसके लिए तो हमें किस चीज की, उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी हमारी, ओ ऑफ ए। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ओ ऑफ लॉग एन में इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही मुझे दिखता है कि ओ ऑफ लॉग एन है और मुझे एक चीज और दिख रही है सॉर्टेड और एरे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मुझे ये दो चीज दिख गई या तीनों चीजें दिख गई एक साथ, तो मुझे क्या यूज करना है यहाँ पर, यहाँ पर यूज करना है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च किस तरीके से यूज होगा इस क्वेश्चन में वो चल के समझते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी ईजी क्वेश्चन है, मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो लेट्स से हमने लिया 1, 2, 5 एंड 7। ठीक है, तो पहले तो हम अपना टारगेट लेते हैं। नेक्स्ट मैंने टारगेट लिया फाइव। और मैं इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3। अब सबसे पहले एक नॉर्मल सी बाइनरी सर्च लगाते हैं। अगर आपको नॉर्मल बाइनरी सर्च भी नहीं आता तो हमारे कुछ 3-4 दिन पहले के चैलेंजेस देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बाइनरी सर्च किया, अभी चल रहा है पूरा का पूरा चैलेंज। ठीक है, तो उसमें जाके देख सकते हैं नॉर्मल बाइनरी सर्च भी नहीं आता तो। ठीक है, जिनको आता है वो सही जगह पर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च का रूल क्या था, हम स्टार्ट इंडेक्स रखते थे, एंड पॉइंटर रखते थे। एंड पॉइंटर कहाँ पे रखा जाता था, लास्ट में स्टार्ट पॉइंटर हमेशा पहले, उसके बाद निकाला जाता था मिड, हमने मिड निकाला। मिड क्या आएगा हमारा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। स्टार्ट प्लस एंड क्या, 0 प्लस 3 बाय 2, मिड आ गया मेरा यहाँ पर। अभी क्या है, मेरे को टारगेट जो है, टारगेट एलिमेंट बढ़ा है किससे, मिड से। तो मुझे किस तरफ ये वाले सॉर्टेड रीजन को छोड़ देने की जरूरत है, अगर छोड़ दिया तो मैंने कहाँ पे रखूंगा स्टार्ट को, यहाँ से उठा के यहाँ रख। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। काफी क्लियर है ये चीज, आई नो। अब क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि अब मुझे दोबारा से मिड निकलेगा 3 प्लस 2 5 बाय 2, तो मिड आएगा मेरा यहाँ पर, मिड आया मेरा यहाँ पर, मिड मेरा यहाँ आया तो मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया, तो मुझे इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना, तब तो मुझे मिड रिटर्न करना है। बट इन केस अगर मैं बात करूँ कि मेरा मिड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो मुझे क्या करना, तो मुझे क्या करना था, तब मुझे उसकी करेक्ट पोजीशन, अगर वो प्रेजेंट होता तब मुझे जो उसकी करेक्ट पोजीशन होती वो रिटर्न करनी थी। जैसे अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 5 था, और अब मेरा टारगेट एलिमेंट है 6। अब मुझे 6 की, अगर 6 प्रेजेंट होता तो उसका टारगेट इंडेक्स बताना है। पहले तो मैं इसको एक बार बना लेता हूँ कि अगर इसमें 6 प्रेजेंट होता तो वो कहाँ होता, 1, 2, 5, 6 एंड 7 कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता, तो मुझे ये वाला इंडेक्स रिटर्न करना, ये वाला इंडेक्स क्या है,
0, 1, 2, 3 इसका आंसर जो आना चाहिए था वो 3 आ गया। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे बाइनरी सर्च के ऑप्शन, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने रखा स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद रखा मैंने एंड पॉइंट, फिर से निकाला मिड। मिड किस तरीके से निकलता है हमारा, मिड निकलता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 मेरा मिड आ गया 1 पे, तो मैंने मिड निकाला यहाँ पर मेरा मिड आ चुका। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो टारगेट एलिमेंट है, पहले तो मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च करूंगा कि मिड को चेक करना, मिड टारगेट के बराबर नहीं, तो मुझे अपना सर्च रीजन जो है उसको छोटा करना है, तो सर्च रीजन को किस तरफ जाना चाहिए, अगर 6 प्रेजेंट होता तो ऑब्वियसली वो किस साइड, राइट साइड प्रेजेंट होता, तो मुझे अपने स्टार्ट को कहाँ पे उठा के रख देना चाहिए। देखिए मेरा पहली अल्ट्रेशन हो गई। अब दोबारा से मुझे क्या फाइंड करना चाहिए, मुझे फाइंड करना चाहिए दोबारा से मेरा मिड फाइंड करना चाहिए, 2 + 3 = 5 डिवाइड बाई 2 मिड क्या आ गया, मिड दोबारा से 2। अब अगर मेरा मिड 2 आ चुका है अब क्या होगा, अभी भी टारगेट बड़ा होता है तो क्या करते हैं, स्टार्ट एलिमेंट को उठा के मिड प्लस 1, तो स्टार्ट मेरा यहाँ पर। अब देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है अभी देखते जाओ, अभी आपको लग रहा पता नहीं कैसे होगा कैसे कैसे नहीं होगा, नॉर्मल बाइनरी सर्च चलती है। अब दोबारा से क्या होगा, दोबारा से हम मिड फाइंड करें, मिड फाइंड करते 3 + 3 = 6/2 तो मिड आ गया यहाँ, मिड मेरे यहाँ। अब मिड आने के बाद अब 7 क्या है, बड़ा एलिमेंट, तो जब एंड टारगेट बड़ा होता तो हम एंड को कहाँ पे शिफ्ट करते थे, मिड माइनस, तो मिड एंड मेरा यहाँ। अब आप देखोगे कि हमारी बाइनरी सर्च बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है बाइनरी सर्च की बेस कंडीशन में क्या होती है, व्हाइल, जो हमारी लूप की कंडीशन होती है, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। अब क्या हुआ, स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, तो हमारा ये लूप रुक जाए। अब आपको पता है आंसर कहाँ पर है, आंसर हमारे स्टार्ट पॉइंटर पर है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो स्टार्ट पॉइंटर की लोकेशन क्या है, 3, तो हमेशा आंसर मेरा कहाँ पर मिलेगा, स्टार्ट पॉइंटर पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना कि क्यों हमें हमेशा स्टार्ट पॉइंटर पे ही आंसर मिले। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6 अगर प्रेजेंट होना चाहिए था तो वो 5 और 7 के बीच में होना चाहिए था, 5 और 7 के बीच में यहाँ पर कहीं 6 होना चाहिए था, ठीक है, तो कुछ ऐसा था, शायद तो मैंने कुछ इस तरीके से करा, सॉरी उसके लिए, तो मेरा यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होना चाहिए अगर 6 प्रेजेंट होता, मतलब 6 कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था, जस्ट जो मेरा सॉर्टेड रीजन था, जो स्टार्ट पॉइंट था उसके जस्ट आगे, तो जस्ट आगे ही हमेशा कहाँ स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पर आएगा, मेरा जस्ट उसके नेक्स्ट पर ही आएगा स्टार्ट पॉइंटर, क्यों, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को डिपिक्ट करता है कि भाई यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, तो यहाँ पर जो मेरा स्टार्ट पॉइंटर होगा वो हमेशा किस पर आएगा, मेरे आंसर पर आओ, स्टार्ट पॉइंटर मेरा किस नेक्स्ट पर आओगे, आंसर पर आओगे। चाहे तो हम एक बार और इसका ट्राई रन करके देख सकते हैं चीज़ों का किस तरीके से करते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसमें रब करता हूँ, थोड़ा सा रब करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको उठाया, इसको हटा देते या फिर पूरा हटा देते दोबारा से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स से मैंने लिखा 1, 2, 5, 10 और अब के बाद हमारा टारगेट एलिमेंट जो है वो टारगेट एलिमेंट है मेरा, लेट्स से 12। मिड किस तरीके से निकलता है, मिड निकलता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो जिस तरीके से निकलता है, और मुझे यहाँ पे लिखना 0, 1, 2, 3, ठीक है, इंडेक्सेज मेरे ये, तो टारगेट मेरा 12। अब 12 प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली हमें क्या ढूंढना है, इसका इंडेक्स ढूंढना है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता, अगर ये प्रेजेंट होता तो कहाँ प्रेजेंट होता, 0, 1, 2, 5, 10 और 12, इसका जो आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 0, सॉरी 0 नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, 0, 1, 2, 3, हमें आंसर क्या रिटर्न करना है, तो देखते हैं स्टार पॉइंटर उस पर आएगा कि नहीं, मैंने स्टार्ट को रखा है यहाँ, एंड को रखा है, अब क्या है मेरा मिड निकला 0 + 3/2 = 1, मिड मेरा है। अब टारगेट एलिमेंट क्या है, बड़ा है, तो बड़ा किस साइड मिल रहा है, अच्छा राइट साइड, तो मैंने स्टार्ट पॉइंटर को उठाया है यहाँ से और कहाँ पे प्लेस कर दिया है, प्लेस कर दिया, इसके बाद मुझे ये चीज़ हटा दे, ठीक है, अब दोबारा से मैंने दोबारा से मिड निकलेगा स्टार्ट प्लस एंड 3 + 2 = 5/2 मिड यहाँ पर, अभी भी मेरा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है, तो क्या करूँ, स्टार्ट को आगे मिड प्लस मेरा यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही है, दोबारा से क्या निकलेगा, मिड निकलेगा, मिड निकला 3 + 3 = 6/2 क्या आएगा 3, तो मिड मेरा दोबारा से यहाँ पर, बट अभी भी क्या है, मिड जो है छोटा है टारगेट से, टारगेट अभी भी बड़ा है, तो टारगेट जब बड़ा होता है तो स्टार्ट पॉइंटर को मैं कहाँ डाल देगा, मिड प्लस 1 पे, तो मतलब स्टार्ट यहाँ पर कहीं आ, जो इंडेक्स 4 स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा,
और जैसे ही स्टार्ट बाहर आएगा वैसे हमारा लूप रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने पिछले बताया था, क्योंकि हमारी लूप की कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड होती है। अभी क्या हो गया, स्टार्ट बड़ा हो गया, एंड थ्री है, स्टार्ट फोर पर आ गया, वो रुक चुकी। अब देखो दोबारा से क्या हुआ, हमारा स्टार्ट किस पोजिशन पर आ गया, जिस पोजिशन पर 12 होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एक बार चलते हैं इस पर कोड लिखते हैं, फिल्टर दोबारा करेंगे। मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने बनाया अपना स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर रखा 0 पे, एंड पॉइंटर रखा मैंने अपना कहाँ पे, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 पे, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी क्लियर है। तो मैंने लिखा व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, तो मैंने ये चीज़ रखा। अब मैंने लिखा मिड, मिड निकाला, मिड कैसे निकलेगा, मिड निकलेगा मेरा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, काफ़ी ऑब्वियस। अब मैं चेक करूंगा कहीं मिड मेरा टारगेट के बराबर तो नहीं है, इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू मेरा टारगेट के बराबर है, अगर नम्स ऑफ मिड मेरा टारगेट के बराबर है तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए मिड इंडेक्स, क्योंकि वही मेरा आंसर है। एल से नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे, अगर मेरा टारगेट जो है वो बड़ा है किससे, नम्स ऑफ मिड से, मतलब मुझे राइट साइड जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर किस साइड मिलता है, हमेशा सॉर्टेड एरे के अंदर राइट साइड मिलता है, तो मुझे किसको शिफ्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको काफ़ी क्लियर होगी। एल्स, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो टारगेट ऑब्वियसली छोटा होगा, टारगेट अगर छोटा है तो वो किस साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा, तो लेफ्ट साइड सर्च स्पेस कर देंगे हम अपना, तो एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है मेरा स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, कोड को रन करके देखते हैं। और इसके बाद मैंने इसको बढ़ाया साइज, ठीक है। तो अभी क्या रे ले लेते हैं, अब देखो जो एलिमेंट पहले से वो तो काफी ऑब्वियस है कि वो मिल ही जाएगा, बट बात करते हैं किस एरे की, जो एलिमेंट प्रेजेंट ही ना, 30, 40, 50, लेट्स से टारगेट एलिमेंट मेरा क्या है, टारगेट है मेरा 35, ठीक है। अब देखते अब की बार ना हम आंसर बाद में देखेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाए क्या आंसर क्या होगा, अब मैं हम स्टार्ट में नहीं देखते, स्टार्ट इंडेक्स को मैंने रखा है यहाँ पे, एंड इंडेक्स को मैंने रखा है स्टार्ट। अब क्या निकलता है, सबसे पहले आई थिंक मिड निकलेगा, मिड क्या निकलेगा, 0 + 4 डिवाइड बाई 2 मेरा मिड निकला, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पर आ गया, टारगेट हमारा 35 है, 35 क्या ग्रेटर होता है किससे, हमारे 30 से होता है, तो स्टार्ट को कहाँ रख दिया जाएगा, मिड प्लस 1, तो स्टार्ट यहाँ से उठा और मिड भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, और स्टार्ट मेरा आ गया, स्टार्ट मेरा आ गया है बिल्कुल सही, ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल सब 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 कुछ सही चल रहा है। अब आगे बात करते हैं, क्या वो दोबारा से मिड निकलेगा, 3 + 4 = 7 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, मिड मेरा आएंगे कि बार मिड और स्टार्ट एक ही पोजिशन है, ठीक है। मैंने देखा टारगेट तो नहीं, इसके बाद चेक टारगेट है हमारा 35 ग्रेटर होता है 40 से, नहीं होता तो नीचे जाएगा, एंड को मिड माइनस 1 पर रख, एंड को उठाया और कहाँ रख दिया, एंड को उठाया और मिड माइनस 1 पे रख दिया गया है, एंड यहाँ। अब देखो यहाँ पर आते क्या होगा, मेरा लूप रुक जाएगा, लूप क्यों रुक जाएगा, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू 3 है, लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं होता, ये फॉल्स है, रुक जाएगा, और मेरा ये कह रहा है कि अब आंसर स्टार्ट में, देखते हैं स्टार्ट बन चुका है कि नहीं। देखो 35 आता तो यहाँ पर कहीं आना चाहिए था, 35 आता तो यहाँ कहीं आना चाहिए, 35 यहीं कहीं आता तो उसका इंडेक्स 3 हो जाता, इसका 4 हो जाता और इसका 5 हो जाता, और हमारा अभी जो करंट स्टार्ट पड़ा है वो भी 3 पे पड़ा है, तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर होगा वो हमेशा आंसर पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, 30 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए था, उस पर ही हमारा क्या पड़ा है अभी स्टार्ट, हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो स्टार्ट पड़ा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम लोग काफी एक्टिव है, ठीक है, और आप सब लोग इसको जाके लिंक्डइन पे पोस्ट कर दीजिए विद द हैशटैग DSA with @ एंड #LeetCode, ठीक है। तो आप ये सब चीजें कर दीजिए और मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।